कानपुर शहर की किदवाई नगर थाना पुलिस ने एक ऐसे ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है जिस पर किस किस को प्यार करूं फिल्म की कहानी सटीक बैठती है। हालांकि फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले हीरो ने 4 शादियां की थी, लेकिन गिरफ्तार किए गए ढोंगी बाबा 5 शादियों के बाद 6वीं शादी की तैयारी कर रहा था, जिसे अगर शादी वाला बाबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आइए हम आपको बताते हैं शादी वाले बाबा की पूरी कहानी। जिस शादी वाले बाबा की हम बात कर रहे हैं उसका असली नाम अनुचेतन कठेरिया है, जो मूल रूप से शाहजहांपुर का रहने वाला है। पुलिस के फेर में फंसे ढोंगी बाबा ने अपना धर्म छिपाकर पहले से ही 4 शादियां कर रखी थी। 5वीं शादी उसने श्याम नगर थाना चकेरी की रहने वाली एक महिला से की थी। शादी के कुछ ही समय बाद ही ढोंगी बाबा ने अपनी 5वीं पत्नी को प्रताड़ित करने लगा था, जिसके बाद उसके खिलाफ चकेरी थाने से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस दौरान 5वीं पत्नी ने पुलिस को ढोंगी बाबा के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां दी थी, जिसके मुताबिक ढोंगी बाबा ने एक ट्रस्ट बना रखा है जो माँ कामाख्या बंजारा के नाम है, जो शाहजहांपुर में बना है। शातिर बाबा ने शादी.com में भी एक प्रोफाइल बना रखी थी, जिसके जरिए वो युवतियों को झांसे में फंसाने के लिए चैटिंग के दौरान नाम बदलकर खुद को कभी टीचर या फिर होटल मालिक बताता था। पुलिस के अनुसार चकेरी में दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान किदवाई नगर निवासी अनुज को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई है कि शादी वाले बाबा अनुज ने पहली शादी मैनपुरी की रहने वाली युवती से की थी, वहीं दूसरी शादी बरेली की रहने वाली युवती से की थी, तीसरी शादी औरैया की रहने वाली युवती से की थी, जिसने अनुज की हकीकत सामने आने पर सुसाइड कर लिया था। और ढोंगी बाबा ने इस दौरान तीसरी पत्नी की एक रिश्तेदार की लड़की से 4थी शादी की थी। इन सभी मामलों में अनुज के खिलाफ मामले दर्ज हैं। एक बात और जांच के दौरान सामने आई है कि अनुज ने अपने छोटे भाई की पत्नी को भी नहीं बख्शा, जिसका मुकदमा शाहजहांपुर के निगोही थाने में दर्ज है, जिस मामले में वो जेल भी जा चुका है। फिलहाल अभी तक जो सच्चाई सामने आई है शादी वाले बाबा की, वो अभी तक की पुलिस जांच में सामने आई है। हो सकता है कि शादी वाले बाबा की अगर कुंडली के पन्नों को और खोला जाए तो हो सकता है कई और भी चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। देखिए, इसमें किदवई नगर थाने पर 110/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज हुआ है, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हैं 354, 376, 328, 363 आदि सेक्शंस लगे हैं। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और उसके क्रम में जो भी सही कार्रवाई होगी वैधानिक, वो अमल में लाई जाएगी। देखिए, साक्ष्य के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई सही होगी उसको किया जाएगा। आरटीआई न्यूज 24 के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।